हेलो फ्रेंड्स, टारगेट वर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जैसे कल मैं आपके लिए DSSBE IELTS मैथ्स के सारे सिलेबस लेकर आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मैं कल फंक्शन लेकर आऊंगी, यानी कि आज मैं फंक्शन लेकर आऊंगी। तो मैंने फंक्शन से टॉपिक सिलेक्ट किया है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, क्योंकि मैंने PGT के एग्जाम में भी देखा था DSSBE के फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, जैसा आप लोग देख भी चुके हैं कि PGT में 180 मिनट में 300 क्वेश्चन करने थे, यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि हम उसका इनवर्स लॉन्ग तरीके से निकाले। तो मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूँ इनवर्स निकालने की, और आई होप PGT एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे देख सकते हैं, चाहे यूपी का अल्टीग्रेड का पेपर हो या आपका जो TGT या PGT मैथ्स का पेपर हो यूपी का, या DSSBE का पेपर है, आपको 3 से 4 क्वेश्चन इनवर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ इनवर्स का। अगर आप उसका बेसिक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना फंक्शन का, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर दूंगी बेसिक ऑफ फंक्शन, क्योंकि आप सब मैथ के हैं तो आई होप बेसिक आता ही होगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम तो आप मुझसे कहिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर दूंगी। तो मैं आपको आज समझाती हूँ इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं इजी तरीके से। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है मेरा, fx इक्वल टू x की पावर 3 + 5 में गिवन है, और वो हमसे क्या देता है कि आप f इनवर्स निकालिए, f इनवर्स x निकालिए। तो हम वैसे मानकर जो चलते हैं अपने सिंपल क्वेश्चन में, वो y मानकर चलते हैं और x³ + 5 निकाल लेते हैं, और लास्ट में आकर क्या करते हैं, x को एक तरफ ले जाकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे इनवर्स निकाल लेते हैं। बट एक बहुत लॉन्ग मेथड होगा, तो मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ आप कैसे करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये होती वैल्यू होती है इसको हम चेंज कर देते हैं, जो भी पावर हो कुछ भी हो वो अपॉन में आ जाती है। अगर यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट लिखा है वो अपॉन में आ जाएगा, अगर कोई पावर चढ़ी है तो वो पावर की टर्म में आ जाएगी, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई है फर्स्ट टर्म की वो अपॉन में आ जाएगी, और अगर कोई पावर चढ़ी है तो वो 1/3 करके आ जाएगी, जैसे यहां पर 3 है तो 1/3 करके आ जाएगी, 2 होती तो 1/2 करके आ जाती, और ये जो बीच वाला साइन है ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, अगर इस फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन AX^(n+b) लिखा है तो आपको कोई फॉर्म चेंज नहीं करनी है, आपको करना है x ऐसे ही रहेगा, ये साइन बीच का चेंज हो जाएगा, और पावर जो है आपकी यहां पर चढ़ जाएगी, यहां 1/4 में, और ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा a। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, देखिए जरा कैसे लिखेंगे। हमने कहा इसकी पावर चढ़ी है तो पहले x को तो ऐसे ही रहने दीजिए, बीच का साइन प्लस है तो माइनस लगा देंगे, अपॉन -5, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं क्योंकि इसका कांस्टेंट ही नहीं है, यानी कॉफिशियंट है ही नहीं x³ का, लेकिन यहां पर क्यूब है तो हम क्या कर देंगे कि power 1/3, ये हमारा f इनवर्स x आ गया। देखिए मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है तो आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है उसको अपॉन में ले आओगे, बीच का साइन चेंज कर दोगे, और ये जो पावर है एक्स की पावर जो भी होगी वो आपकी अपर पावर में आ जाएगी, यानी इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स पावर में आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन था x³ + 5 है, यानी कि बीच का सलन जो साइन है आपका प्लस का वो माइनस कर दोगे, x³ है तो इसको इनवर्स में होल की पावर लिख दोगे, यानी कि 1/3 लिख दोगे, और क्योंकि इसका कांस्टेंट मतलब x का कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दोगे, यानी कि आंसर क्या बनेगा, x-5 की पावर 1/3। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ कैसे फॉर्म में आ सकता है। आप देखिए ऐसे फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, fx = 10x - 7, तो आप इसको कैसे लिखोगे, f इनवर्स x। सिंपल, कुछ नहीं करना, मैं आपको फॉर्म बता ही चुकी हूँ, बीच का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस आ गया, 7 वैसे का वैसे रहेगा, x ऐसे उतार लेंगे, x की कोई पावर नहीं है तो इसलिए हमें इनवर्स में पावर लगाने की जरूरत नहीं है, और जो इसका कॉन्स्टेंट वो नीचे आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा x + 7/10। आप इसे आंसर चेक कर सकते हैं, यानी कि x ये रहा प्लस, बीच में साइन प्लस का हो गया, ये 7 का 7 उतर गया, और जो इसकी कोफिशिएंट था वो नीचे आ गया, ये हो गया x + 7/10। ये देखिए कितनी इजी तरीके से निकल गया, हमें इसको y मानकर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म मैं समझा देती हूँ, ये हमेशा ऐसे लिखा रहेगा ax + b / cx + d की फॉर्म में रहेगा।
मैंने दो फॉर्म सिखा चुकी हूँ जिसमें एक पावर होती है, एक सिंपल क्वेश्चन होता है और एक ही हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर क्वेश्चन होगा तो हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए ये वाले जो कॉफिशेंट हैं, ये वाले हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करने में क्या आएगा आंसर, यहां डी आ जाएगा, यहां एक्स आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा। और इनको क्या करेंगे, इनको वैसे के वैसे रहने देंगे बट इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस के बी और माइनस के सी एक्स। क्लियर है, ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, हमने क्या करा, ए और डी को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि यहां पर थ्री आया, यहां एक्स आया, यहां पर कितना आ गया, फाइव आ गया। अब इसके प्लस माइनस चेंज करने हैं, इसको वैसे का वैसे ही रखना, यानी कि जो वैल्यू है उसको ऐसे कैसे रखें लेकिन उसका साइन चेंज कर दिया, यानी यहां कितना आ गया, प्लस के थ्री और यहां पर कितना आ गया, माइनस के टू एक्स प्लस फाइव, क्योंकि देखिए दोनों के साइन प्लस प्लस है तो यहां पर भी दोनों प्लस प्लस है, यहां पर साइन इनके चेंज हो गए, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार और बता देते हैं, देखिए देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये जो दोनों हैं यानी कि ए और डी, इनको एक्सचेंज कर देंगे, इनके जो एक्स का कॉफिशियंट हो, और ये वाले फाइव और थ्री को हमने एक्सचेंज कर दिया, यानी कि यहां पर थ्री आ गया, यहां फाइव आ गया, इनको ऐसे कैसे रहने दिया बट इनके साइन चेंज कर दिए, ये माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस था तो माइनस कर दिया। सेम इसी बेस पे ये वाला क्वेश्चन हम इसको भी सॉल्व करके बता देते इजिली तरीके से। तो आप देखिए ये और ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहां पर आ जाएगा माइनस के टू एक्स, ये ऐसी रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन ये वाला ऐसी रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा 3x, और यहां पर कितना था 1, हम यहां पर माइनस टू लेगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस के 1। ये हमारा आंसर है, आप इसको एक बार एक दो क्वेश्चन से रिवाइज करके देख लीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे अगले टॉपिक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, मैं अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी, डोमेन एंड रेंज निकालना। पहले मैं डोमेन सिखाऊंगी और फिर रेंज निकालना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।